ओम नमः शिवाय, पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पहला अध्याय। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधना के विषय में प्रश्न। जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता है, जिनके पांच मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप पांच प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों के दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्षित खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार है। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरार्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराय स्त्रियों में उत्सुक होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे, समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चर्या कर्म से जीविका चलाएंगे, सूत्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का विकार बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट स्वधर्म त्यागी कुमार्ग धनोपार्जन पारायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे, इसी तरह शूद्र ब्राह्मण के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूष से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे संभवता ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे।
उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव से तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है। व्यास जी कहते हैं, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले।